भगवान राम अपना दरबार लगाकर बैठे थे। जब शाम को दरबार खत्म होने जा रहा था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर जाकर देखने को कहा कि बाहर कोई और तो न्याय के लिए इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। वह अंदर आने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो घायल और उदास बैठा था। उसके सिर पर एक चोट लगी थी। जब लक्ष्मण ने कुत्ते से वहां बैठे रहने और इंतजार करने का कारण पूछा तो कुत्ते ने कहा कि उसे भगवान राम से न्याय चाहिए। लक्ष्मण ने कुत्ते को दरबार में आकर अपनी बात रखने को कही। कुत्ते ने आकर भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। जब भगवान राम ने हिंसा का कारण पूछा तो कुत्ते ने बताया कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी सर्वथा सिद्ध नाम का एक भिखारी आया और बिना किसी कारण के उसने मुझ पर प्रहार कर दिया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था, इसलिए मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम ने तत्काल सर्वथा सिद्ध भिखारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। भगवान राम ने जब उससे बेवजह कुत्ते को मारने का करने का कारण पूछा तो भिखारी ने कहा, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। भगवान राम ने जब अपने दरबारियों से न्याय के लिए सलाह मांगी तो कोई भी मनुष्य और कुत्ते की बीच तुलना कर न्याय का सुझाव देने में असक्षम था, क्योंकि इससे जुड़ा कोई कानून भी उनके पास नहीं था। फिर भगवान राम ने निराश होकर कुत्ते से सी पूछ लिया कि वह भिखारी को क्या सजा देना चाहता है। कुत्ता ने कहा कि इस भिखारी को कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। उन दिनों कालिंजर मठ बहुत ही प्रतिष्ठित मठ माना जाता था। भगवान राम को कुत्ते की सजा का उद्देश्य समझ नहीं आया, क्योंकि सजा के रूप में वह भिखारी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय पद पर जाने वाला था। लेकिन फिर भी राजा ने कुत्ते के न्याय को स्वीकृति दे दी। इस तरह भिखारी को एक हाथी दिया गया और उसे प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न ही प्रसन्न था। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि उसने उस भिखारी को ऐसी सजा क्यों दी जो सजा कम और सुख ज्यादा लग रहा। आखिर इस सजा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? इस पर कुत्ते ने बताया कि वह पूर्व जन्म में कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। शुरुआत में तो वह अपने उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दूसरे छिटपुट विचारों ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने उसे अहंकारी बना दिया। लोगों ने उसे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया, जबकि वह अंदर से जानता था कि वो धर्मगुरु के योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास उतने गुण नहीं है। अहंकारवश उसने सुविधाओं की मांग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता घटने लगी। इससे उसके आसपास के लोग भी कम होने लगे। बाद में उसने खुद को पहले जैसा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक उसने सब कुछ गंवा दिया था। ये भिखारी भी गुस्से में है, कुंठित है और निराश भी। मैं जानता हूं कि यह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने खुद को दिया था।